नमस्कार, पूर्ण समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी हेरिटेज में रहो दोकान सब खाली कराइब रहा मीक्षक प्रसन्न सौ जनपुर हम उप महानगर पालिका हेरिटेज में रहो दोकान सब के गोपाल धर्मशाला के दक्षिण दिश खाली रह जगह में व्यवस्थापन कर लागल है। उप महानगर पालिका के अधीन में वो तो 17 मार्च 7 कट्ठा जगह रहा है। वह जगह में छोट व्यवसायी सबके बंदोबस्त क्या जाए उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह जानकारी देने से सांस्कृतिक धरोहर गंगा सागर आधुनिक सागर बीच के संपदा के संरक्षित आ सुंदर बनेबाक लेल हेरिटेज खाने कराब लागल ओ जिक्र कने। ओ कहलन छोट व्यवसायी सबके जीविकोपार्जन करबाक लेल व्यवस्थित रूप में जगह उपलब्ध सेहो कराएल जाए। गोपाल धर्मशाला के दक्षिण दिश रहल जगह में छोट व्यवसायी सबके दोकान राख नहीं देव उच्च अदालत जनकपुर जारी केने अल्पकालीन अंतिम आदेश समेत खारिज भ चुकल है। व्यवसायी सबसे व्यवस्थित रूप में जगह उपलब्ध करा देव मांग करते आयल छन। गंगा सागर आ धनी सागर के बीच के भाग में वैवाहिक कार्यक्रम में मटकोर अहिना डिहबार पूजा के भारी भीड़ होते हैं। हरेक साँझ गंगा आरती में सहभागी श्रद्धालु सबके आओ जाओ पर समेत कठिनाई होत आयल। सवारी साधन के पार्किंग स्थल नजदीक नहीं रहला से समस्या भोग पड़ला से छोट व्यवसायी सबके दुकान हटाब पर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका द्वारा जानकारी देल गेल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा से समानुपातिक सांसद के लिए हसीना खान के नाम सिफारिश कल गेल। बृहस्पति दिन बैसल जसपा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार से बाके के 27 वर्षक खान के नाम सिफारिश कल गेल। जसपा के समानुपातिक सांसद मंजू शर्मा अंसारी के निधन भिलाक बाद रिक्त रहल स्थान में पूर्ति के लिए हसीना के नाम सिफारिश कल गेल। जसपा के प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण वसनीत जानकारी देने शहनाज रहमान के 2079 फागुन 3 गते निधन भेलाक बाद ई पद रिक्त रहल सल। सरलाही के बागमती नगरपालिका 4 जिरायत स्थित जंगल टोल रहनिहार एक गोटी वृद्ध के हत्या में संलग्न युवक के प्रहरी नियंत्रण में लक सार्वजनिक कलक स्थानीय बौद्ध महतो के कन्या 70 वर्षक पार्वती कुमारी महतो के मंगल दिन साँझ हुनकरे घर में हत्या कल गया सर। प्रहरी पार्वती के हत्या में संलग्न रहन रौतहट के वृंदावन नगरपालिका 5 नरकटिया रनिहार 39 वर्षक प्रमोद झा उर्फ प्रमोद चौधरी के नियंत्रण में लगभग बृहस्पति दिन जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा पत्रकार सम्मेलन कैत सार्वजनिक कलक। प्रमोद जिरायत क्षेत्र में जला मजदूरी के काज करे छन। प्रारंभिक अनुसंधान में प्रमोद चोरी कर गेल समय वृद्धा प्रमिला देवी प्रतिकार के निमित्त हिनकर हत्या कल गेल आशंका प्रहरी के लोग वास्तविक कारण अखन खोज बाकी रहन। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के प्रहरी निरीक्षक अनिल राजगिरी जानकारी दिलन। प्रमोद प्रमिला के माथ पर काठ के मोटा प्रहार केला से हिनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने आई। प्रहरी निरीक्षक गिरी के अनुसार घटना के अनुसंधान के क्रम में प्रमिला देवी के घर में राखल गेल 7 बोरा चाउर मध्य 6 बोरा चाउर के मात्र भेटल। सीसीटीवी फुटेज के आधार में महतो के घर से चोरी भेल चाउर प्रमोद चौधरी बोक निकलल समेत देखल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल। चौधरी चोरी केने चाउर बोक बागमती नगरपालिका 4 घिमिरे चौक में रहल किराना दोकान में बिक्री के लिए समेत पहुंचल। सीसीटीवी फुटेज से देखल गेल प्रहरी निरीक्षक गिरी जानकारी दिलन। चौधरी के प्रहरी नहर के बाट होत रौतहट दिस भाग रहल समय बुध दिन भिनसर बागमती नगरपालिका 1 से नियंत्रण में लेने सल। प्रहरी चौधरी के कर्तव्य जान मुदा में सरलाही जिला अदालत से 5 दिन के मैथ थप करबित पूछताछ तथा अनुसंधान कर रहल जानकारी कराओल गेल। दोटा बाइट बड़ी विमान खरीद में भ्रष्टाचार कल गेल कहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कलक। अख्तियार तत्कालीन पर्यटन मंत्री जीवन बहादुर शाही नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक सुगत कंसाकार पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी सहित 32 गोटे के प्रतिवादी बनाएल गेल। अख्तियार बाइटवटी खरीद में 1.47 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार भेल दावी से कलक। शाही कर्णाली में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह तत्कालीन पर्यटन मंत्री शाही संघ्यता कार्यान्वयन भेलाक बाद मुख्यमंत्री समेत रहल।
कंसाकार अखन सार्वजनिक जिम्मेवारी में रहसै नहीं रहसै थ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिवक्ता अनुरूप लगानी आन कानून संशोधन के प्राथमिकता दिल गेल जिक्र कैने सैथ। बृहस्पति दिन काठमांडू में लगानी बोर्ड के 57 बैसार के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड देश के पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्र में स्वदेशी आ विदेशी लगानी परिचालन के लिए कानून संशोधन के प्राथमिकता दिल गेल जानकारी दिलन। ओ लगानीकर्ता जानकारी होब जेहन नेपाल में लगानी के वातावरण अय संदेश प्रवाह करो ऊपर से हो जोर देने सैथ। नेपाल में लगानी के अनुकूल अवस्था रह संदेश देव सेवा प्रवाह स्पष्ट छिटो छरितो होब आवश्यक रहल हिनकर कहब सब। देश भीतर सार्वजनिक निजी साझेदारी के वातावरण विकास कर जोर दैत प्रधानमंत्री प्रचंड सब निकाय सब पीपीपी परियोजना के प्रभाव पारसक जेहन बोर्ड के निर्णय के ध्यान देव निर्देशन देने सैथ। लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा, यसको निम्ति मैले सुरुमै पनि भने त्यही केही ऐनहरू संशोधन गर्नु जरुरी छ ताकि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकियोस्। धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सवाल त्यही छ, हाम्रा ऐन चाहिँ भन्नुबाट नियम कानुन चाहिँ कुन जटिलताले गर्दा पनि अप्ठ्यारो छ भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्यादेशबाट भयो भने अपरिहार्य अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्ने कुरा तयारीमा जान्छौँ। खै अर्को चाहिँ अब लगानी सम्मेलन भनेर भन्दा कुरा यो समीकरण परिवर्तन भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ कि यो सम्मेलन सम्बन्धी भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो, तर चाहिँ लगानी बोर्ड बैसार्स परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी सुपर तमोर अपर मोदी जल विद्युत ए आयोजन कोहलपुर आ बाणगंगा में रहल सूर्य ऊर्जा परियोजना लगायत के आयोजना के लिए करीब 1 अरब के हाराहारी में लगानी स्वीकृत कैल गेल। बोर्ड के प्रवक्ता एवं सह सचिव प्रद्युमन प्रसाद उपाध्याय जानकारी देने सैथ। अर्को परियोजना यो सौर्य ऊर्जा परियोजना जुन हामीले अब यो आगामी लगानी सम्मेलनमा यसलाई पिडिए साइनिङ गर्ने चरणमा हामी त्यसको परामर्शमा गइरहेका छौँ, त्यसको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने एउटा छ। त्यस्तै गरेर अपर मर्स्याङ्गदी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिए त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई पनि वार्ता समिति गठन गर्ने भन्ने यो वार्ता समिति सम्बन्धी दुईवटा विषयहरूमा निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर परियोजना सहजीकरणमा 4-5 निर्णय भएका छन्। जस्तो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्गको छुट मुआवजा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयमा यो छ्याङकुटी भन्ने ठाउँदेखि त्यतिसम्मको जुन बिचको ठाउँ छ त्यसमा मुआवजाको अलिकति विवाद भएकोले ऐना वैशाख काठमाडौँ उपत्यकाकै एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनके लिए तयार कैल गेल प्रोजेक्टकै कार्यान्वयन गर सरोकारवाला निकाय सन छलफल गर निर्णय समेत कैल गेल अछि। सरकार श्रम अदालतके मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामे तोक निर्णय कैलक अछि। सिंहदरबारमे बृहस्पति दिन बैसल मन्त्री परिषद वैशाख कानून मन्त्रालयके प्रस्तावले श्रम अदालतके मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामे रह जेही तोक निर्णय कैल गेल आ अहिके सूचना नेपाल राजपत्रमे प्रकाशन गर निर्णय समेत कैल गेल। सरकारके प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी दिलनि। वैशाख राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिके अध्यक्ष पदमे सप्तरीके प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी आ सदस्य पदमे वीरेन्द्र प्रसाद यादव नियुक्ति कैल गेलै। त बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानके सदस्य पदमे डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्तिके मनोनयन गर निर्णय समेत कैल गेल। प्रवक्ता शर्मा जानकारी देने छैन। मा रहने गरी भनेर त्यो केही हामीले व्यवस्था निर्धारण प्रणालीको प्रस्तावमा गयौँ। यस शरम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएको थियो र जिल्लामा तोक्ने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी भनेर त्यो केही हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि भएको छ।
त्यसै गरेर यो हाम्रो स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सेन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी सदस्य पदमा सिराहा निवासी डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्यकै अर्को पनि छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा झापा निवासी डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृहमन्त्रीको विषयमा जसरी संसदमा कुरा उठेको सन्दर्भ तपाईँले कुरा उठाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्यो र त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलिदिनु सक्नु भएको छ र संसदीय समितिमा गृहमन्त्री स्वयंले पनि उपस्थित भएर त्यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ र अहिले यथेष्ट तथ्य प्रमाण त्यस्तो खालको संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नपर्ने स्थिति नदेखाएको भएर बनेको छैन। प्रवक्ता शर्मा सरकारी प्रकरण गृहमन्त्री उप उठर प्रसिद्ध प्रधानमन्त्री सदनमै आस्वयं गृहमन्त्री सांसदीय समितिमै जवाफ द ठोक्ला छ छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नै रहन जिक्र केलेनी। कन्सुलर सेवा विभाग विदेशमै रहन नेपाली अपन उपराग तथा समस्याके सम्बन्धित दूतावास मार्फत सहजै दर्ता गराबसक व्यवस्थाके शुरूआत कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन विभागके कार्यालय त्रिपुरेश्वरमै आयोजित एकटा कार्यक्रमके बीच उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विभाग रु शुरू केने नयाँ मोड्युलके शुभारम्भ केने छथि। सेवा प्रवाह भेटसँगै विदेशमै रहन नेपाली नागरिक घरैमै रहिक अपन समस्या आ उपरान व्यक्त गरेसँगै समाधानके सम्बन्धमा समेत सम्बोधन समेत अनलाइनै स जानकारी लेबसक उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ जानकारी दिलेन। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ वर्तमान सरकार प्रारम्भे स जनताके सार्वजनिक सेवा सहज आ सरल रूपमै प्रदान गर प्रतिबद्धता अनुसार काज गरे त्यान उल्लेख सेहो केने छैन। सरकार जनताके घरेसँ सार्वजनिक सेवा सहज रूपले उपलब्ध गराब जेहन काज कऽ रहल हिनकर कहब छन्। त्यस्तो समेत व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र आजदेखि यो नयाँ मोडल त सबै नियोगहरूमा हामीले देशभित्र र बाहिर पनि सबैले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी अनलाइनबाट नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको निम्ति धेरै अनुरोध के झन्झटै गर्नु पर्दैन। आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थाहा हुन्छ, जन्ममिति थाहा हुन्छ, त्यो पासपोर्ट नम्बर र जन्ममिति मात्रै उहाँले त्यहाँ भरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपले आफ्नो समस्या लेख्न पाइयो। समस्या लेखे राजदूतावास आउनु परेन, राजदूतावासले व्यक्तिहरूलाई भेटिरहने झन्झटबाट मुक्त हुने भयो। राजदूतावासले तिम्रो समस्या के हो, तपाईँको समस्या भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बारे हामीले के गर्यौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट लेख्नपर्छ, होइन? त्यसपछि समाधान भयो भने त्यो पनि खबर दिनुपर्छ, त्यो थाहा पाउन पनि उहाँ आइरहनु पर्दैन, त्यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। भनेपछि यसलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले कन्सुलर सेवा हरेकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत हामीले नयाँ मुद्दा ऐना विभागके महानिर्देशक प्रकाश मणि पौडेल यी मोडुलमा पुनः सेवा ग्राही राहदानी नम्बर आ जनमिति प्रविष्ट केने बाद नयाँ फोल्डर निर्माण होयत आ फोल्डरमे अपन समस्या आ उपराग लिख मिलत तथा सम्बोधनके सम्बन्धमे समेत जानकारी पाव व्यवस्था ज्ञान गेल जानकारी गराउने छैन। टुडे समाचारमे अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। सोनके दाम आइ फेरसँग नयाँ रेकर्ड कायम केलक अछि। आइ सोनके दाम तोलाके 1,000 रुपियाँसँ बढिक 1,34,000 रुपियाँमै कारोबार भऽ रहल नेपाल सुनचानी व्यवसायी महासङ्घ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोनके दाम तोलाके 1,35,000 रुपियाँ कायम भेल सतन लगातार जहिल सोनके दाम बढि रहलासँ व्यापार घटल व्यवसायी सब जानकारी देने छैन। अहिना आइ चाँदीके दाम तोलाके 40 रुपियाँसँ बढल अछि। चाँदी आइ तोलाके 1,650 रुपियाँमे कारोबार भऽ रहल अछि। काल्हिखन चाँदी तोलाके 1,610 रुपियाँमे कारोबार भेल छल। टुडे समाचार अखनके लेल एतबा। पुनर्दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित भेटा करब। तखन धरिके लेल हम सपना बिदा मंगू छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।